और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में 30,000 रुपीज़ के अंदर कौन सा बढ़िया लैपटॉप है देखने वाला है। लैपटॉप लेते समय एटलीस्ट 4GB रैम जो ऑब्वियसली मिलता है, लेकिन वहाँ पर एक्सपेंडेबल मेमोरी होना ज़रूरी बनता है, क्योंकि फ्यूचर प्रूफ या फिर कहिए आप मल्टीटास्किंग ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ पर मेमोरी यूसेज ज़्यादा ले रहा है, तो वहाँ पर एटलीस्ट 8GB मतलब आप 4GB अपग्रेड इसी से कर पाएँ। तो वैसे लैपटॉप्स मैं रिसर्च करके लेकर आया हूँ, क्योंकि ढेर सारे लैपटॉप्स में जो मॉडल नंबर में फ़र्क आता है तो वहीं पर कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाता है। तो मॉडल नंबर ज़रूर देखकर आप खरीद कीजिएगा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ लैपटॉप के रिलेटेड कि मॉडल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी इंटरेस्टिंग लैपटॉप्स मिले हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है विद इन 30,000 रुपीज़। डेली मल्टीटास्किंग के लिए, डेली यूसेज के लिए, जनरल पर्पज़ के लिए, स्टूडेंट्स हो या फिर ऑफिस के लिए हो, ये 30,000 काफ़ी है। तो इसमें बहुत ही अच्छे ऑप्शंस भी अभी मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए लेटेस्ट अपडेटेड प्राइसिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन से लैपटॉप्स है। 4-5 रेकमेंड करूंगा आपको, जो ब्रांड अच्छा लगे, जैसे वहाँ सर्विस सपोर्ट आपके लोकेशन में कैसा है उसके आधार पर आप ब्रांड को चॉइस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इन द लिस्ट है लेनोवो की तरफ से, ये आइडिया पैड ऑब्वियसली वेरी कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग में देते हैं। यहाँ पर आपको विंडोज 11 जेन्युइन मिल रहा है, उसके साथ लाइट वेट लैपटॉप्स भी है, फुल फ्लेज्ड लैपटॉप। ये लेनोवो का आइडिया पैड जो है वो 15.6 इंच फुल फ्लेज्ड लैपटॉप है, 256GB SSD फास्ट परफॉर्मेंस के लिए एंड बूट अप टाइम्स के लिए ऑब्वियसली, एंड थिन एंड लाइट है, एंड सारे चीज़ यहाँ पर बेसिक कनेक्टिविटी फीचर से मिल जाता है। 8GB 256GB विंडोज 11 फुल फ्लेज्ड लैपटॉप है, इंटेल सेलरॉन का जो N4020 प्रोसेसर है वो मिल जाता है। ये आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 26,000 के आसपास। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, अगर आप लेनोवो की तरफ से देख रहे हैं तो ये जरूर मैं रेकमेंड करूंगा। अगर आप HP फैन है तो यहाँ पर अराउंड 25-26,000 रुपीस में आपको मिल रहा है 14 इंच का। इसमें आपको बेटर CPU मिल रहा है विच इज इंटेल सेलरॉन अगेन, लेकिन N4500 सीरीज। इसमें भी आपको 8GB रैम मिलता है विच इज एक्सपेंडेबल, आप 16GB तक भी इसको खींच सकते हैं। एडिशनल 8GB का रैम डाल देंगे तो 16GB हो जाएगा, 256GB SSD फॉर फास्ट बूट अप टाइम्स। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले लीजिएगा, तो वहां पर आपको जो है एडिशनल स्टोरेज मिलता जाएगा। स्पेशली आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले रहे हैं तो वहां पर SSD भी ले सकते हैं, या फिर आप ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क जो है कॉम्पैक्ट का वो भी तोशिबा या फिर कोई भी ब्रांड हो बहुत ही अच्छे काम करते हैं वहाँ ले सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको विंडोज 11 फिर से बिल्ट इन इंटेल UHD ग्राफिक्स है, ड्यूअल स्पीकर्स है एंड वेरी लाइट वेट 1.46, क्योंकि 14 इंच का है तो डेफिनेटली लाइटर दैन द लेनोवो। तो ये बहुत ही बढ़िया है, मैं रेकमेंड करूंगा कि ये आप खरीदी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट लैपटॉप एसर की तरफ से, वेरी कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग अगेन, एसर फॉर द कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं जस्ट 30,000 रुपीज़। 30,000 के लिए 10 रुपये कम है, लेकिन यहाँ पर आप कार्ड ऐसे अमेजन ICICI का कार्ड डालेंगे तो 5% कैशबैक मिल जाएगा। तो एसर की तरफ से i3 11th जनरेशन लेटेस्ट है, 4GB रैम इसमें, मतलब कि अगर एक ज़्यादा मिल रहा है तो एक ऑब्वियसली स्पेसिफिकेशन में कम हो जाएगा, वहीं 4GB है, एक्सपेंडेबल है विच इज़ ऑसम, तो आप डेफिनेटली 8GB इसको आराम से बना सकते हैं। 256GB SSD विंडोज 11 अगेन इंटेल UHD ग्राफिक्स कार्ड, और बहुत ही बढ़िया जो है इसमें फुल HD डिस्प्ले मिलता है। बाकी सारे लैपटॉप्स में 1366x768 रेजोल्यूशन का है, हाईली रिकमेंडेड। एक्जैक्टली 30,000 रुपीज स्पेंड कर रहे तो डेफिनेटली एसर एक्सटेंस ऑफ 15 इंच लैपटॉप को आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले लैपटॉप की तरफ, ये भी एसर एस्पर है लेकिन अगेन राइजन, तो इंटेल कॉम्पिटेटिव। यहाँ पर राइजन 3 सीरीज अगर आप देख रहे हैं तो 3250U ठीक ठाक है मल्टी कोर परफॉर्मेंस के लिए, जैसे मल्टीटास्क कर रहे हैं यूजुअली जो राइजन का प्रोसेसर है वो बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये वाला देखिए। MS Office भी आपको मिल जाता है, 1.9 किलोग्राम्स वेट है, 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले एसर आपको देता है, तो विच इज़ अ थम्स अप फ्रॉम मी। तो अगर आप राइजन ऑल्टरनेट देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये रेकमेंड करूंगा। HP की तरफ से भी है राइजन अगेन, AMD का रेडियन बिल्ट इन ग्राफिक्स मिलता है, राइजन 3 प्रोसेसर है, 8GB 256GB 15.6 इंच है, लेकिन इसका डिस्प्ले जो है वो HD डिस्प्ले है अगेन, 3666x768 पिक्सल्स मिलेगा, लेकिन 8GB बिल्ट इन रैम है इसमें, आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे आप लैपटॉप देख रहे हैं AMD Ryzen का रेडी लैपटॉप, तो 30,000 रुपीज़ में ये डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा फ्रॉम HP। अगर आप इंटरेस्टिंग लैपटॉप देख रहे हैं विद इन 13,000 रुपीज़, जैसे कि टच स्क्रीन हो एंड 360 फोल्डेबल, तो HP की तरफ से क्रोमबुक है X360, इंटेल सेलरॉन N4120 प्रोसेसर मिलता है विच इज़ नाइस, 4GB रैम है इसमें, 2-in-1 लैपटॉप क्योंकि टच स्क्रीन भी है, एंड आपको सिर्फ 25,429 रुपीस में आपको मिलता है। तो स्टोरेज अपग्रेड करने के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्ट इन मिलता है 64GB eMMC, तो डेफिनेटली आपको जाके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद करना पड़ेगा अगर आप स्टोरेज चाहते हैं तो। तो ये क्रोमबुक है X360 करके, वेरी पॉपुलर मॉडल फ्रॉम HP। बढ़ते हैं नेक्स्ट लैपटॉप, लास्ट बट नॉट द लिस्ट लेनोवो का है,
ये भी 2-in-1 है, जैसे कि टच स्क्रीन है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि IPS स्क्रीन आपको मिलता है विच इज़ जस्ट अराउंड 10.1 inches, HD डिस्प्ले है लेकिन IPS डिस्प्ले है, एंड यहाँ पर रेयर कैमरा मिलता है विच इज़ काइंड ऑफ यूनिक, डिटैच भी कर सकते हैं yes। और एक चीज़ लैपटॉप का है, यूजुअली बिजनेस लैपटॉप के लिए करके बनाया है क्योंकि आपको एक्टिव पेन स्टाइलस मिलता है एंड डिटैचेबल है कीबोर्ड और स्क्रीन। तो 10.1 इंच का स्क्रीन इन्होंने दिया है, IPS का है, 1.14 किलोग्राम्स वे करता है। तो एक यूनिक लैपटॉप आप देख रहे हैं अपने यूज़ के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रैवल पर्पस के लिए, डेफिनेटली 27,500 में आपको ये मिल जाएगा। तो ये सारे लैपटॉप्स जो है दोस्तों विद इन 30,000 बेस्ट लैपटॉप्स है, तो आप कोई भी इसमें ले सकते हैं, कहीं पर भी आप लीजिए ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, लेकिन ये मॉडल नंबर जो है वो ज़रूर देखकर आप खरीदी कीजिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इफ़ हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो है लैपटॉप के रिलेटेड अराउंड 50-60,000 रुपीज़ के अंदर मैं करूँगा, तो डेफिनेटली चेक कीजिए, वो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।